मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देवास के खातेगांव में निर्दलीय प्रत्याशी कमल पटेल धुआंधार चुनावी दौरे कर रहे हैं। कमल पटेल के मैदान में आने से खातेगांव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं। खातेगांव से निर्दलीय प्रत्याशी कमल पटेल ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा से असंतुष्ट होकर कमल पटेल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। कमल पटेल पहले बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। कमल पटेल की खातेगांव में अच्छी पैठ है। जनसंपर्क कर रहे कमल पटेल ने कहा, उन्होंने हमेशा जनता के लिए कार्य किए हैं और जनता को ही सर्वोपरि माना है। पटेल ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से बात की, समस्याओं को भी सुना और समस्याओं का जल्दी निराकरण करने की भी बात कही। हमारे बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश निश्चित रूप से एक नई क्रांति का संचार करता है। और मेरे युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि कहीं भी आप पोस्ट डालें तो आप सामाजिक रूप से निकालें कमल पटेल। कमल पटेल जमीनी नेता हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमल पटेल को कमल वाली बीजेपी को चुनाव में हरा पाना आसान होगा। कमल पटेल को मिल रहे जन समर्थन में मुकाबला और दिलचस्प बन गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ।
आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।